नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रियल सत्य घटना बता रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी लेडी के बारे में एक कथा है, एक कहानी है, ये सत्य वाक्य है कि वो रोज स्वर्ग में जाती थी, रोज स्वर्ग के वाकियात लोगों को बताती थी और रोज उसको परेशानी होती थी, रोज उसको मार खानी पड़ती थी। रोज स्वर्ग से आती, स्वर्ग जाती, रोज मार खाती। कैसे मार खाती, कौन मारता, क्या होता क्या नहीं होता, ये इस कहानी में आप आज डिटेल से जानेंगे, जो हमारे बिल्कुल करीब की घटना है और एकदम सत्य घटना है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शंका समस्या वाली बात नहीं। दोस्तों, बरसों पहले की बात है, हमारे गांव के पास एक छोटा सा गांव है जहां हम रहते हैं, उस इलाके में एक छोटा सा गांव और है जिसमें मुश्किल से 150-200 घरों की बस्ती है। उस वो जो क्षेत्र है वो जाट बहुल्य क्षेत्र है, चौधरी बहुल्य क्षेत्र है और बड़े अच्छे लोग वहाँ रहते हैं, एकदम काम आने वाले देवता रूपी लोग वहाँ निवास करते हैं। लेकिन उन लोगों में एक खास बात है कि उनको धन दौलत इन सब से इज्जत बहुत ज्यादा प्रिय है। इज्जत के लिए वो लोग सर कटा भी सकते हैं और सर काट भी सकते हैं, इज्जत के लिए वहां सब कुछ होता है। उस गांव में एक सरपंच था जिसका नाम था सांवताराम जाट, उसकी पत्नी थी ग्यारसी देवी। सांवताराम ग्यारसी देवी दोनों का गांव में बड़ा रहूस था, बड़ा दम था। उनके एक बेटा था जिसका नाम था खियाराम, वो गांव में अपना काम धंधा करता था, किसानी करता था, किसान आदमी है, सब मजदूर आदमी, किसान आदमी, किसानी करता था। और अब उसकी उम्र शादी की हो गई थी, तो जो उनके पिताजी थे उन्होंने सरपंच से, गांव के रखूस था, बड़ा दम था उनका, अपने गांव से 65 किलोमीटर दूर एक गांव है जिस गांव के और सरपंच है कोई अर्जुन राम जाट, अर्जुन नहीं है, अर्जन है, अर्जन राम से नाम फेमस होगा, अर्जन राम जाट, उनके घर में अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। समय हुआ, सगाई हुई, सगाई के बाद में शादी हुई, नई दुल्हन घर में आई, सबने स्वागत किया, सब काम हुआ, बढ़िया बैंडबाजी से शादी हुई। सरपंच की शादी है, सरपंच की बेटी घर में आ रही है, काम है, सब कुछ है, एकदम दम है पूरा, तकलीफ क्या है। साहब, अच्छी तरह से शादी हुई और 3 साल तक उस लड़की को, जिसका नाम था झुमरी, उसको कोई बच्चा नहीं, 3 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई बात भी नहीं हुई 3 साल तक, एकदम घर में गृहस्थी आराम से चलती थी, फर्स्ट क्लास चलती थी, सब बढ़िया था। 3 साल बाद में एक घटना घटित हुई, 3 साल बाद में उसके गर्भ रुका, बच्चा पैदा होने के बाद में बच्चा रात को 2 बजे रोया। बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा भी होता है, दूध के लिए रात को रोता भी है, उसे उठाना भी पड़ता है, सुलाना भी पड़ता है। रात को रोया बच्चा रात को रोया तो जो झुमरी देवी थी उसकी माँ, वो उठी नहीं, तो खियाराम पास में सो रहा था, उसने कहा कि यार तू उठ क्यों नहीं रही है, बच्चा रात को तड़प रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है जोर जोर से, दूध के लिए, बोबे के लिए चिल्ला रहा है, माँ का दूध पीना है उसको, दूध पिलाओ। लेकिन सुने कौन, वहां तो कोई सुनने वाला आया ही नहीं, खाली एक देह पड़ी और कोई नहीं वहां। उसने ऐसे पकड़ के हिलाया, झंझेड़ा, पानी छिड़का, अरे उठ क्यों नहीं रही है, 2 बजे की बात, मरखप तो नहीं गई कहीं, बात क्या हुई, उठी नहीं, बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं उठी। तो उसने अपनी माँ को बुलाया, बाबूजी को बुलाया, पिताजी को बुलाया, बोले आप देखो तो सही इसको हुआ कि उठ क्यों नहीं रही है। देखा कि भैया नार तो चल रही है, सांसें भी चल रही है, लेकिन उठ क्यों नहीं रही। 2 बजे रात को घटना, अब ऐसे ऐसे करते करते 2:15 के करीब हो गए। तो उन्होंने सोचा कि यार तो कोई भारी काम हो गया, गड़बड़ हो जाएगी। 3 किलोमीटर दूर हमारा शहर पड़ता है, उस शहर में अस्पताल है, तो वहाँ वो अपनी जो भी ट्रैक्टर वगैरह था उनके पास, उसमें डाल करके उसको झुमरी देवी को अस्पताल लेके आए, बच्चे को पड़ोस पड़ोस के जो आसपास के लोग थे उनको सौंप दिया, भैया इसको थोड़ा सा पालन पोषण करना, दूध पिलाया, सब बाकी सब आ गए। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर के पास वो जब तक पहुंचे तब तक 2:45 के आसपास बज चुके थे, घड़े में 2:45 के आसपास बज चुके थे। डॉक्टर ने देखा, चेकअप किया और 15 मिनट में उठ के खड़ी हो गई।
उसको होश आ गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या, बोले क्या हुआ क्या हुआ, इतना बड़ा माता फोड़ी हो गई, हम तो सोचते चल बैठी ये बात क्या है, एकदम बेहोश कैसे हो गए ऐसे। बोले ये तो मुझे पता नहीं कैसे। बात आई गई, उसको वहां से दिखाया, डॉक्टर ने कहा जरूर कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर ने जांचें वाँचें लिखी, सुबह अस्पताल में जांचें करवाई, कुछ भी नहीं आया। जितनी जांचें बताई थी खियाराम जी ने और सांताराम जी ने, और पैसा लगा के अच्छी तरह से, क्योंकि पैसा तो है उनके पास, दमदार पार्टी कोई बात तो है नहीं, तो अच्छी तरह से पैसा लगा करके सारी जांचें करवाई। जांचें करवाने के बाद जांच में कुछ भी नहीं आया, जांच रिपोर्ट एकदम नॉर्मल, बस सब कुछ ठीक। तो डॉक्टर ने कहा कि भैया इसको तो कोई बीमारी नहीं, बेहोश तो हुई है, मैंने भी देखा था, बाकी के 10-5 मिनट जो मेरे हाथ में आई थी उस समय ये बेहोश तो थी, कोमा में थी, बेहोश क्या थी, मतलब ऐसा था कि कोमा में है जैसे, लेकिन ये ऐसा है क्या, ये समझ में नहीं आया, इसमें तो कोई बीमारी नहीं आ रही है। डॉक्टर बोला मेडिकल में तो इसकी कोई बीमारी है नहीं, फिर ये बेहोश कैसे हो गई, ये बात है यार बेहोश कैसे हो गया। एक दिन की बात हो तो समझ नहीं आया, तो लगभग रोज होता है, तीसरे दिन चौथे दिन पांचवें दिन फिर हो जाता है, फिर उठता है, फिर वो कहता है अपनी माँ को बुलाता है। माँ ने सोचा कि यार जरूर नाटक करती है, जरूर कुछ ऐसा, डॉक्टर कहता है बीमारी नहीं है तो फिर ऐसा क्यों करती है। तो उसकी माँ ने एक दिन क्या किया, जो चिमटा होता है ना, रात की बात है, रात की बात, उसने उस चिमटे को गर्म किया, खाना बनाने वाला जो चिमटा होता है उसको गर्म किया, और पैर का जो तलवा होता है ना उस तलवे पर चिमटा चिपकाया, टच किया ऐसे कि गर्म गर्म चिमटा होगा साइड उड़ जाएगी, टच ही किया खाली, कोई जलाया वाला नहीं उसको, टच किया, टच करते उसका वहां से पेड़ जल गया, पेड़ जल गया, काला पड़ गया, खून रस्सी आना शुरू हो गया, घाव हो गया वहां, लेकिन वो उठे नहीं। तो उनके समझ में आ गया कि बात कुछ है, कुछ गड़बड़ है। अब जब वो 3 बजे उठे तो बड़ा दर्द हुआ उसको, तो दवा वगैरह लगाई और सब कुछ किया कि भाई तेरे बात क्या है, ये सब हुआ क्या, तू होता क्या है तेरे को, ये 3 बजे तो उठ जाती है, कोई भूत प्रेत पिशाच विशाच तो नहीं है। बोला ना कोई भूत है, ना कोई पिशाच है, ना कोई प्रेत है, कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी घटना है, मैं आपको बता दूं, आपको अन्यथा नहीं लेवे, क्योंकि अन्यथा नहीं लेवे ऐसा मेरे को शुरू से आदेश मिला हुआ है। बात यह है कि मैं 8 साल की छोटी सी बच्ची थी, तब हमारे गांव में पनगट चालू रहता था, मेरी माँ जो थी वो पनगट पे पानी लाने के लिए जाती थी, और मैं उसके साथ साथ पल्ला पकड़ करके, छोटी बच्ची थी उसके साथ साथ रवाना होता था। मैं गई, मैं रोज आती थी, कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी माँ के साथ उस पनगट पे गई, और पनगट पे काई आई हुई थी, मुझे पता नहीं था, काई बोलते हैं मतलब जैसे हरा हरा हो जाता है ना, वो काफी दिन तक सब साफ सफाई नहीं करे तो पानी के कारण से हरा हरा काई उस पर फैल जाती, तो काई बड़ी फिसलने वाली होती, तो मेरा काई पे पैर लग गया, और काई पे पैर लगने से क्या हुआ, मैं वहां से गिरी और मेरा सर एक पत्थर से टकराया, और सर टकरा करके मैं बेहोश हो गई, खूंबा बेहोश हुई, 3 दिन तक बेहोश रही। मेरे पिताजी अर्जुन राम जी ने मेरे को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, चेकअप करवाया अच्छी तरह से, 3 दिन तक मेरे को होश नहीं आया, मैं 3 दिन तक कोमा में थी, लेकिन 3 दिन के बाद में मुझे होश आया, और होश आया तब बात यह हुई कि पिताजी ने कहा कि बेटी तू 3 दिन के बाद में होश में आई है, तेरा सब स्वास्थ्य तो बढ़िया है ना, तो उसने कहा स्वास्थ्य तो बढ़िया ही है, लेकिन आपको पता है पिताजी मैं कहाँ गई थी, मैं कहाँ गई थी, बोले मैं स्वर्ग में गई थी, बोले अच्छा स्वर्ग में गई थी, हम भी एक दिन स्वर्ग में जाएंगे बेटा, कोई बात नहीं तू आराम से खा ले पी ले और तबीयत तेरी ठीक कर ले अच्छी तरह से, और बिना मतलब कहीं आना जाना मत, किसी से ज्यादा बात मत करना, अभी तेरे दिमाग पर जोर पड़ा हुआ। उसने कहा पिताजी दिमाग पर जोर नहीं पड़ा हुआ, ये सत्य घटना है, मैं स्वर्ग में गई थी, बोले अच्छा कोई बात नहीं तू बैठा आराम से। उस दिन उसने, उसके पिताजी ने, माताजी ने सबने ऐसे मजाक समझ करके या फिर ऐसे एक हादसा समझ करके कि बच्चे के दिमाग पर कोई बुरा असर पड़ गया होगा समझ करके बात को नजरअंदाज कर दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये मेरे साथ रोज होने लगा। अब मेरे साथ हर दूसरे तीसरे दिन ये होने लगा कि मैं इस शरीर को छोड़ करके और रात 1 बजे स्वर्ग में चली जाती हूँ, और 1 बजे के बाद में 3 बजे वापस आती हूँ। और इस पीरियड में क्या होता है, मुझे गांव में कोई भी मरा है, आसपास कोई मरा है, वो मुझे स्वर्ग में नजर आ जाता है, मैं उससे स्वर्ग में मुलाकात कर लेती हूँ। 2-3 ऐसी घटनाएं गांव में हुई और मुझे सबका पता चल गया कि उनकी ये डिजायर थी, ये इच्छा थी, ये इच्छा बाकी रख करके मर गए, ये उनकी बात थी, इसमें ये करते थे, उसमें वो करते थे। तो मैंने गांव में इक्का दुक्का लोगों को कह दी, उन्होंने कहा कि बात तो बिल्कुल सही है, गांव में प्रचार हुआ, सरपंच की इज्जत है,
ऐसी बात अगर गांव में उठती है तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाते है। सरपंच ने कहा कि देख देख बात क्या है, तू स्वर्ग में जाती है, स्वर्ग में जाती है, नरक में जाती है, ब्रह्मलोक में जाती है, इंद्रलोक में जाती है, कहीं भी जाती है, मुझे मतलब नहीं। मतलब यह है कि तू जहां कहीं भी जाती है तू चुप रह, इस बात को बोलना मत, किसी को कहना मत। आज तो हम तेरी बातों को ढक लेंगे, लेकिन ऐसी अगर कोई बात आ गई ढकने में नहीं, पूरे गांव में प्रचार प्रसार हो जाए तो तू बोलना मत। बोले क्यों? बोले क्यों? इसलिए कि तेरी शादी नहीं होगी कल को, क्योंकि ये स्वर्ग में जाती है, पता नहीं क्या है क्या, लोग डर जाते हैं, शादी नहीं करेंगे। तो बोला ठीक है। फिर पिताजी ने उस दिन रोक दिया, मेरे को दबा दिया, मेरी शादी नहीं होने दी। और आज जब मैं बड़ी हुई, मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद में अब आपके सामने ये घटना आई, तो अब मैं उचित समझती हूँ बता देना। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि मेरे साथ ये घटना हुई है और मैं रोज स्वर्ग में जाती हूँ, रोज स्वर्ग से आती हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी बात तो बिल्कुल सही है, स्वर्ग में जाती हो, स्वर्ग से आती हो, बढ़िया बात है, लेकिन अब यहाँ ये बात किसी को मत बता देना, क्योंकि यहाँ ये बात बता दी तो अब हमारे घर में प्रॉब्लम हो जाएगी। सरपंच हूँ गाँव का, मेरे पिताजी गाँव के सरपंच है, माता जी भी रखूस है, उनका इज्जत है काफी। अगर लोगों को पता चला कि खियाराम की पत्नी और सावताराम जी की बहू स्वर्ग में जाती है तो हंसी उड़ेगी हमारी? नहीं, इज्जत का सवाल है। ये बात गलती से भी किसी को भी मत बताना। बोला ठीक है, नहीं बताऊंगा। उस दिन उसको रोक दिया। क्या हुआ, कुछ दिन की घटना है, कुछ दिन के बाद में गांव में एक बुजुर्ग मर गया। बुजुर्ग की उम्र थी करीब 85 साल। बुजुर्ग मर गया और मरने के बाद में उस लड़की को, झुमरी देवी को, रात सपने में, सपने में क्या, रात वो जो स्वर्ग में गई थी तो स्वर्ग में उसको वो बुजुर्ग दिखाई दिया। बुजुर्ग दिखाई दिया, अरे ग्यारसी बेटा तू यहाँ आई, मेरा एक काम कर देना, तू तो वापस जाएगी, हम तो वापस नहीं जा सकते, वो तो वापस जाएगी। बोले हाँ ठीक है, क्या काम करूं? बोले मेरे बेटा बहू को बोल देना कि गांव में जो पंडित दुकान करता है, उस गांव में एक पंडित है, वो दुकान करता था, किराने की दुकान करता था और शादी विवाह का भी काम करवाता था, दोनों काम करता था। एक छोटी सी दुकान थी उसकी और जरूरत के सामान वो बेचा करता था और शादी विवाह भी गांव में किसी के होता था वो करवाता था, दोनों ही काम करता था, वो मिक्स में काम चलता रहता था। बोले गांव में जो पंडित है जिसने दुकान कर रखी है, मेरा उसको 7,000 रुपया दिया हुआ है और ये बात किसी को नहीं पता, खाली मैं जानता हूं और पंडित जानता है, लेकिन पंडित इस बात को अभी पंडित ने किसी को बताया नहीं। मेरे मरने का 1.25 महीना करीब हो गया, अभी तक ये बात किसी को बताया नहीं उसने। मैंने सोचा बता देगा, लेकिन अभी तक किसी को बताया नहीं, मेरे घर में किसी को नहीं बताया। मेरा एक ही बेटा है और मैं चाहता हूँ कि उसको अब ये 7,000 रुपया मिले, तो ये बात अब उसको तुम बताओगी। अच्छा, मेरा उसके हाथ का लिखा हुआ एक पन्ना पड़ा है, ये पन्ना उनको भी नहीं मिलेगा, मैं जानता हूँ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी जो पेई है, पेई बोलते हैं मतलब पेई, उस पेई के नीचे कागज बिछा हुआ है और उस कागज के नीचे वो कागज चिपका हुआ है ना, कागज चिपका हुआ उस कागज के नीचे है ना वो पन्ना डाला हुआ है, तो वो समझेंगे ये तो कागज का अंतिम फ्लोर होगा, अब इसके नीचे क्या होगा तो कोई चेक नहीं करेगा, और वो कागज जो उसके पंडित का हाथ का लिखा हुआ है वो उसके नीचे है, इसलिए तू उनको बोल देना कि उस पेय के नीचे सबसे बाद में जो कागज है ना उस कागज के नीचे उनका पन्ना लिखा हुआ है, वो पन्ना आप ले जाना और 7,000 रुपया अपना वसूल कर लेना। ब्याज तो मुझे टाइमो टाइम देता था चुप से अपने, लेकिन पैसा मेरा अभी बाकी है, पैसा मेरे को दिया नहीं, तो ये काम बेटा तू करवा देना। अब उसके लिए तो समस्या हो गई, उनके गांव में गए तो पता चले और गांव में नहीं गए तो फिर बात खराब हो, ऊपर जो स्वर्ग में लोग बैठे उनको क्या जवाब देगी, उसका तो रोज का आना जाना है। 2 दिन नहीं बताया, 4 दिन नहीं बताया, फिर स्वर्ग में गई, फिर वो डोकरा बुढ़ा आदमी आके बोलता है कि नहीं बताया बेटा, इतनी भी क्या बात, बता देना बेटा। 3-4 बार 5 बार उसको बहुत बड़ा किया, स्वर्ग में मुश्किल हो जाएगी रहना। आते हैं रोज, आते हैं जाते हैं। एक दिन चुपके से उन्होंने उसकी बहू को बोल दिया कि पंडित जी में, जो पंडित जी दुकान करते हैं उनमें 7,000 रुपया तेरे ससुर जी का बाकी तेरे को पता है? बोले नहीं पता, हम पंडित जी को कहेंगे तो पंडित जी मान लेंगे। बोले ऐसे नहीं मानेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे अलग बात, लेकिन नहीं माने तो एक और उपाय। बोले क्या उपाय? बोले तुम्हारे दादाजी की, तुम्हारे ससुर जी की जो पेटी है ना, उस पेटी में सबसे नीचे कपड़ा चिपकाया हुआ है, कागज चिपकाया हुआ है, उस चिपकाए हुए कागज के नीचे पंडित के हाथ का लिखा हुआ कागज एक रखा हुआ है, तेरे ससुर जी ने बड़े संभाल के उसको रखा था, तो वो पन्ना तुम उतार लेना, उतारोगे तो नीचे उसका कागज मिलेगा, वो ले जाना। बोले अच्छा, तुझे कैसे? अच्छा
ठीक है। वो अपने पति के पास गई, जाके बोला कि वो मुझे पता है कि वो रोज स्वर्ग में जाती है, दादा हमारे जो बाबू जी है वो भी स्वर्ग में गए हैं, और ऐसा ऐसा उन्होंने बताया कि पेटी के सबसे नीचे। अब ये बात किसको पता होगी, पेटी के सबसे नीचे जो है वो कागज चिपका हुआ, चिपके हुए कागज के नीचे उसका कागज पंडित का हाथ का लिखा, किसी को पता नहीं होगा। पति ने देखा जो पेई थी, पेई बोलते हैं, एक संदूक होती है, एक बॉक्स होती है, उसको लोहे की बॉक्स होती है, पुराने जमाने में लोग लोहे की बॉक्स रखा करते थे और छोटे छोटे उन्हें में अपना सामान वामान जरूरत का होते थे वो रखते थे। बहू जी की पेई चेक कर ली, उसमें कुछ नहीं मिला, जो मिला वो बस काम में ले लिया, और रुपये पे तो कुछ मिले नहीं, जो मिले जितने रुपये मिले वो ठीक है एक संपत्ति के रूप में है, लेकिन 7,000 का तो कोई जिक्र नहीं था। तो उन्होंने उस कागज को हटाया, कागज को हटाया तो नीचे देखा कि वास्तव में कागज पड़ा है, वास्तव में कागज पड़ा है। तो उन्होंने उस कागज को उठाया और जाकर के पंडित को कहा कि आपका आपका कागज है 7,000 रुपये बाकी है। उसने कहा बिल्कुल बाकी है भाई, देना है, अभी मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने सोचा कि बाद में जब होगा तब जाकर के इनको दे दूंगा पैसे, पर कोई बात नहीं 7,000 रुपये आ गए। लेकिन इससे बात तो बढ़ती है, बात तो गांव धीरे धीरे करके बढ़ने लगी कि इनकी बहू स्वर्ग में जाती है। अब बहू स्वर्ग में जाती है ये बात बढ़ने लगी, उनको उनको अच्छा नहीं लगता। फिर अब उसके साथ मारपीट शुरू, स्वर्ग में जाने वाली बात तूने बताई क्यों, ये बात कही क्यों लोगों से, इज्जत जाती है। अब वो जब भी स्वर्ग में जाके आती है कोई ना कोई काम ऐसा हो ही जाता है उसके कि गांव में बताना पड़ता है किसी, पर बताई नहीं कि मार तैयार, तू फिर बताई मार तैयार। वो रोज स्वर्ग में जाती रोज मार खाती, रोज स्वर्ग में जाती रोज मार खाती, अब ये उसकी दिनचर्या बन गई। ये बात पब्लिश तब हुई जब उसने एक बड़ा काम, एक उसके गांव से फिर 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव और है, उन्हीं की बिरादरी उन्हीं की जाति, उसमें एक बुजुर्ग मरे। उस बुजुर्ग के पास एक काफी अच्छा धन था, वो काफी अच्छा धन उन्होंने एक जगह गाड़ के रखा था कि कभी जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे। ये बुजुर्गों का धन था, पुराने पुराना उनका पुश्तैनी जो संपदा थी वो थी। उसमें उस जमाने में कम से कम उसमें 5-7 लाख रुपए का आसपास का वो सोना चांदी माणक मोती हीरे पन्ने उसमें बहुत सारी चीजें थी, ये काफी समय पुरानी बात है, तो उसमें कम से कम इतने रुपए का वो सामान था। वो बुजुर्ग जब बाप स्वर्ग में गई तो उसने कहा कि बेटी एक काम मेरा करना पड़ेगा। बोले क्या काम करना पड़ेगा? बोले ये काम करना पड़ेगा कि मेरे घर जाकर के मेरे 4 बेटे हैं 4 बहू हैं उनको ये जाकर के समाचार देना पड़ेगा कि जो आप पहले जो खूंटा था ना, खूंटा बोलते हैं जिस पर वो गाय भैंस को बांधते हैं, ऐसी लकड़ी होती है जमीन में रुकी हुई, जमीन में गड़ी हुई, उस जमीन में गड़ी हुई लकड़ी पर वो गाय भैंस को बांधते हैं, तो वो जो खूंटा होता था ना उस खूंटे पर, उस खूंटे के नीचे पुराने वाले खूंटे के, बाद में जगह चेंज कर ली आप लोगों का खूंटा, आपने अलग बना लिया, नया बनाया, नया मकान बनाया तो नया खूंटा बनाया, तो वो उस खूंटे को भूल गए, वो जगह हट गई। लेकिन उस जो जगह हट गई उसमें आज वो खूंटा लगा हुआ है, उस खूंटे के नीचे एक पुश्तैनी संपदा पड़ी है कम से कम वो लाखों रुपए की है, 7-8 लाख रुपए, 5-7 लाख जितने भी है, वो उस जमाने में बहुत ऊंची रकम हुआ करती थी वो, और काफी धनाढ्य माना जाता था इतने जिसके पास इतना धन, तो ये धन आप वहां से निकलवा दो। झुमरी देवी ने कहा कि तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। बोले मुसीबत हो जाए कुछ भी हो, इतनी कृपा कर दे मुझ पर, मेरे गांव जाकर के मेरे बेटे बहू को यह सूचना दे। तो उसने एक क्लू निकाला, एक तरीका निकाला। उसके ससुर सास किसी शादी में गए हुए थे और पति किसी काम से गया हुआ था, तो घर में अब कोई था नहीं, एक लड़का था एक लड़की थी, उसी का लड़का था उसी की लड़की थी, घर को लॉक लगाया। उनके पास एक छकड़ी हुआ करती थी, मतलब छकड़ी में जो सामान वामान लाते हैं ना उसमें आगे बेल बांध देते हैं, छकड़ी थी, ट्रैक्टर था, सब कुछ सामान था छकड़ी, रोजमर्रा का जो सामान वामान होता है पत्थर वगैरह कुछ भी उठा उठा के इधर से उधर लाते हैं, तो वो छकड़ी थी। उसने वो छकड़ी में बेल जोत लिए, बेल जोत करके 3 किलोमीटर तो जाना था, थोड़ी देर लगनी थी, बेल जोत करके वो रवाना हो गई और उनके घर पहुंच गई। घर पहुंचे उन्होंने बड़ी आवभगत की अपनी जाति अपनी बिरादरी की, और अच्छी तरह जान पहचान भी, एक भैया तो फलाने की बहू है, सरपंच साहब की बहू है, तो अच्छा स्वागत किया। अच्छा स्वागत करने के बाद में उसने बताया कि देखो मैं अब मेरे पास समय बहुत कम है, मैं जल्दी से आपको एक बात कह देता हूँ फिर मुझे जाना पड़ेगा। बोले क्या बात है? बोले बात यह है कि आपका जो पुराना खूंटा है उस पुराने खूंटे के नीचे एक संपदा गड़ी है, खजाना गड़ा है, उस खजाने को आप निकाल लीजिए, ये आपके पिताजी का खजाना है, और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई, अचानक बताना भूल गए, बताना बता ही नहीं पाए, भूल के आ गए, बता ही नहीं पाए,
तो ये जो वंश है उनके मन में रह गया और मैं मुझे उन्होंने इसी बात बताई है। बोले हाँ आप स्वर्ग में जाती हैं, इसका हल्का हल्का हमको पता था, लेकिन आज आपने कहा तो हम इस बात को मानते हैं आपकी को, आप बैठिए हम खोद लेते हैं। बोले बैठने का मेरे पास समय नहीं, तुम खोदते रहना और करते रहना, मुझे तो फटाफट घर जाना है, मेरे पति के आने से पहले पहले मुझे घर पहुंच जाना है। पति के आने से पहले पहले वो घर पहुंच गई। इधर क्या हुआ, वो तो अपने घर चली गई वापस, इधर क्या हुआ कि वो खजाने को उन्होंने खोदा और खोदा, खजाना मिल गया। मिल गया तो अब बात हो गई पब्लिश पूरे गांव में, हाहाकार हो गया, अरे उनको इतना बड़ा खजाना मिला, वो झुमरी देवी स्वर्ग में जाती है, उसने बताया, झुमरी देवी स्वर्ग में जाती है, उसने बताया। तो इस प्रकार से उनको सारी बात का पता चल गया और अब ये बात हो गई पब्लिश, और अब फिर जूते पड़े बेचारी झुमरी देवी को। इस तरह से जूते पड़ते गए बेचारे को, स्वर्ग की बातें बताती गई। ये घटना तो है विश्वविख्यात होने वाली, घटना तो है विश्वविख्यात होने वाली, लेकिन आप देखो कि इज्जत के चलते, उन लोगों को इज्जत बड़ी प्यारी, इज्जत के चलते कि हमारी बात का पता नहीं चलना चाहिए, उन्होंने झुमरी देवी के साथ हमेशा अन्याय किया। विश्व फेमस होने वाली एक लेडी को हमेशा दबा करके रखा और उनकी जो शक्तियां थी वो हमेशा चुप करके रखी। अब बात यह आती है कि क्या जहां वो जाती थी वो स्वर्ग ही था, क्योंकि जिन पुराणों में जो जितने भी ग्रंथ हैं हिंदुओं के उनमें पढ़ते हैं तो स्वर्ग का रूप और वो जो बताती उसका रूप, दोनों में डिफरेंस है। स्वर्ग में देवता आदि बताते हैं, कल्प वृक्ष है, बहुत सारी परियां हैं, लेकिन वहां कोई परियां है ना कोई कल्प वृक्ष, वहां तो एक धुंध है, एक फॉग है, जिसमें सैकड़ों लोग हैं रहते हैं, सैकड़ों लोग रहते हैं, एक दूसरे को हल्का हल्का वो पहचान सकते हैं कि हाँ ये वही है, और सब मस्त रहते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई खाने की परेशानी नहीं, कोई पीने की परेशानी नहीं, सब एकदम उनको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, वो एक अलौकिक धुंध में रहते हैं, एक ऐसे ऐसे माहौल में, एक ऐसा स्थान है जहाँ हवा है, धुंध है, सब कुछ मस्त है, कोई मकान की आवश्यकता नहीं, कोई और नहीं, वहाँ सिर्फ वो आत्माएं रहती है। वो जगह कौन सी है, वो जगह स्वर्ग तो नहीं हो सकती, वो जगह जाति का है उसी को पता नहीं। एक और उसमें रहस्यमय बात थी कि वो जहां जाती थी वहां उसको मिलते थे तो अपने आसपास वाले जो मरने वाले हैं वही मिलते थे, जैसे वो राजस्थान में रहती थी, जैसे वो किसी खास जिले में रहती थी, किसी गांव में रहती थी, तो उसके 60 70 80 किलोमीटर के दायरे में जो जो मरा है सिर्फ वही आत्मा वहां उसको दिखाई देती थी, इसके अलावा आत्मा उसको दिखाई नहीं देती थी। जबकि मरने वाला तो रूस में भी मरेगा, अमेरिका में भी मरेगा, पाकिस्तान में भी मरेगा, वो कहां जाते हैं फिर, वो जाते हैं तो वो उनको दिखाई क्यों नहीं देते। कोई ये तो नहीं कहता कि मैं पाकिस्तानी हूं, मेरे पाकिस्तान जाके ऐसा बोल देना, कोई ऐसा नहीं कहता पंजाब जाके ऐसा बोल देना। जो मिले उसको सिर्फ यही मिले जो उसके आसपास, गांव के आसपास 10-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर में जो मरे, बस वही जो उसको जानते थे उन्हीं लोगों से मुलाकात हुई। ये कुछ रहस्यमयी बातें हैं जिनका पता लगाना साधकों का काम है। अब ये काम आपका है कि आप कैसे पता लगाते हैं, ये क्या सत्य है, या मुझे भी नहीं पता ये कौन सा लोक है, क्या है, ये स्वर्ग तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग की जो बातें हैं वो इनमें मैच नहीं करती। इस प्रकार से झुमरी देवी की सत्य घटना आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। आपको अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आते रहे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।